नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना महामारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। दोपहर करीब 12:30 बजे होने वाली इस बैठक में सूबे में जो पाबंदियां लगाई गई है उसमें रियायत देने पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि रात्रि कर्फ्यू में छूट दी जा सकती है। वहीं स्कूलों में और शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी फैसला आज लिया जा सकता है। सिनेमा हॉल, पार्क, जू, धार्मिक स्थल और मॉल खोलने पर भी आज इस बैठक के बाद निर्णय हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 442 संक्रमण के नए मामले दर्ज हुए हैं। लोगों को अब उम्मीद है कि कम होते मामलों के बीच अब प्रतिबंधों में राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पाबंदियां आज यानी कि 6 फरवरी तक ही लागू हैं। जेडीयू के प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने आज होने वाली सीएमजी बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने कहा है कि कोरोना की रफ्तार में कुछ हद तक कमी आई है, जिसको देखते हुए आज सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएमजी की बैठक रखी है, यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। कोरोना को देखते हुए जो भी गाइडलाइन जारी की गई थी, जो कि 6 तारीख तक जारी रहेंगी, उसके ऊपर आज सीएमजी की बैठक जारी होगी कि क्या नए बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्या नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी 6 तारीख के बाद के लिए, वो आज सीएमजी की बैठक में चर्चा होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि जो उचित होगा उनका निर्णय वो सबके भलाई के लिए होगा, और इसमें स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का भी उतना ही अहम रोल है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही निर्देश जारी करेंगे बिहारवासियों के लिए। और चलिए हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के लिए रितेश पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, आज सीएमजी की बैठक होनी है और अब लोगों को उम्मीद है कि जैसे जैसे मामले कम हो रहे हैं तो अब शायद प्रतिबंधों में भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो हम रितेश से एक बार फिर बात करेंगे। तो आज आपको बता दें कि सीएमजी की बैठक होनी है और 12:30 बजे बैठक होगी। बैठक में सीएम अध्यक्षता करेंगे और कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रितेश, जैसा कि आज बैठक होनी 12:30 बजे और अब केसेस कम हो रहे हैं कोरोना के, तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद भी है अब कि कम होते केसेस के बीच में प्रतिबंधों से भी अब राहत मिल पाएगी। बिल्कुल सही कहा पलक आपने, पूरे सूबे के लोगों की आज टकटकी लगी हुई है। बैठक तो वैसे कल होनी थी लेकिन आज ये बैठक एक्सटेंड कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि लग्न का समय है, इसके अलावा बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, स्कूल्स भी बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, और रात में 8 बजे तक ही दुकानों को खोल के रखना है, 10 बजे के बाद बहुत सारी पाबंदियां हैं। जाहिर सी बात है कि इन पाबंदियों को झेलते झेलते लोग थोड़े परेशान हो गए हैं और ऐसे में अब सरकार से उन्हें राहत की उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर पलक देखा जाए तो राहत की उम्मीद इस बात को लेकर जताई जा रही है क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण को देखें तो ये लगातार सिमटता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। संक्रमण दर भी बेहद सिमट चुका है। इसके अलावा रिकवरी जो है हमारा वो बेहद अच्छा हो गया है, लिहाजा ये शुभ संकेत है पाबंदियों से निजात पाने के लिए। लिहाजा जो आज बैठक होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उसमें ये है तय है कि कुछ अच्छा निकल कर आएगा, यानी जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें हमें राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि रात 8 बजे तक ही मार्केट और दुकान खुल सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी मॉल्स बंद हैं, मल्टीप्लेक्सेस बंद हैं, जाहिर सी बात है कि राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा लोगों के घूमने फिरने पर मंदिरों की बात कर ले, धार्मिक स्थलों की बात कर ले, तमाम जगहों पर पाबंदी है। आप बिल्कुल, धार्मिक स्थल भी बंद है और मुख्य बात है स्कूल भी बंद है, तो उसको लेकर छात्रों के मन में भी तमाम सवाल हैं, तो उसको लेकर भी आज फैसला आने की संभावना।
बिल्कुल सही कहा आपने कि स्कूल्स को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की निगाह है, क्योंकि देखिए परीक्षाओं का समय है, अगले साल जिन्हें परीक्षा देना है उन्हें अभी से ही तैयारी में जुटना है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से स्कूल खुल रहे हैं फिर बंद हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पठन पाठन पर इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ये संकेत भी दिया था कि स्कूल हो सकता है कि स्कूलों को लेकर एक बढ़िया निर्णय आए, यानी स्कूल खुल भी सकते हैं लेकिन पाबंदियों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि हमने सड़कों पर भी देखा है कि लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भी अब एक तरह से लापरवाही भी आ रही है, तो इसको लेकर भी फैसला हो सकता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ड्राइव वैसे ही चलता रहेगा जो अब तक चला आ रहा है, क्योंकि लोगों ने अनुशासन दिखाया, सरकार ने अपने तरफ से सख्त। बिल्कुल रितेश, लोग अनुशासित तो है ही, लेकिन 12:30 बजे ये बैठक होनी है और बैठक के बाद भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।